ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबूलाल मरांडी ने सर्वसम्मति से अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया और भगवा रंग में रंग गए। बीजेपी में आते ही बीजेपी का गुणगान करने लगे। जब विधायक दल के नेता बनकर विधानसभा पहुंचे तो स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा ही नहीं दिया। एक रिपोर्ट। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में बाबूलाल मरांडी और जेवीएम पार्टी चर्चा का विषय बने हुए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी में विलय की अब पुष्टि कर दी है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि अब निर्वाचन आयोग ने भी क्लीन चिट दे दिया है। झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय की पुष्टि हो चुकी है। अगर अभी भी सत्ता पक्ष बदले की भावना से काम करती है तो यह निंदनीय होगा। चूंकि अब चुनाव आयोग का भी निर्णय आ गया है और चुनाव आयोग ने स्पष्टता से यह निर्णय दिया है कि जेवीएम का सही विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। जेवीएम का नाम और जेवीएम का प्रतीक चिन्ह दोनों चुनाव आयोग ने सीज कर दिया। अब कोई अड़चन नहीं रह गया बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का। जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना चाहिए। अब इसमें अगर राजनीति होती है तो यह बिल्कुल सही बात नहीं होगी, क्योंकि जब अब जेवीएम दल रहा ही नहीं तब जेवीएम के नाम से प्रदीप यादव को नेता मानना लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया अब यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का मान्यता दें। जबकि महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि यह तो महागठबंधन के हाथ में है ही नहीं, यह तो स्पीकर के हाथ में है। जो भी संवैधानिक होगा उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी का भाजपा में जाने के कदम को उचित ठहराया है और उसको संवैधानिक माना है, हमें इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक बात है उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का, तो ये महागठबंधन के हाथ में है नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है। और जो भी संवैधानिक होगा वो होगा नियम के तहत और उसका हम समर्थन करते हैं और उसका हम स्वागत करते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष क्या अब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देगा या फिर यह विवाद अभी और चलेगा। ओंकार अवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवीसी को लेकर कहा है कि जिस प्रकार डीवीसी हरकत कर रहा है यह ठीक नहीं है। सरकार इनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखे हुए है। लोगों को जैसे बिजली उपलब्ध हो रही थी वैसा ही उपलब्ध हो, सरकार इस विषय पर गंभीर है। यह भारत सरकार का उपक्रम है। राज्य सरकार पहले समस्या का समाधान करने को प्राथमिकता मान कार्य कर रही है। देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन डीवीसी जिस तरीके से हरकत कर रही है मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है। और सरकार इनके कार्यप्रणाली पर नज़र रखे हुए है और बिल्कुल सुचारू रूप से जिस तरीके से बिजली लोगों को मिल रहा था मिले, राज्य सरकार इस विषय पर काफ़ी गंभीर है। लेकिन चूंकि भारत सरकार उपक्रम होने की वजह से कुछ बातें हैं जिसको लेकर मैं बाद में आप लोगों से चर्चा करूंगा, पहले समस्या का हम समाधान। डीवीसी के कमांड एरिया झारखंड के 7 जिलों में डीवीसी के द्वारा 24 घंटे में 18 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है और 6 घंटे के अंतराल पर 2 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। डीवीसी का झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर 4,955 करोड़ रुपए बकाया है।
विगत 5 फरवरी 2020 को डीवीसी के कमर्शियल विभाग के द्वारा बकाया बिल के भुगतान के लिए डेडलाइन के लिए सूचना दी गई थी। बकाया बिल भुगतान नहीं होने पर 50% बिजली कटौती करने की कवायद 10 मार्च से शुरू की गई है। इसका खासा असर बोकारो में देखा जा रहा है। बिजली कटौती के कारण झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बिजली कटने के कारण। रात में जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो बिजली कट जाती है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम लोग को मोमबत्ती से पढ़ना पड़ता है जो अच्छा से दिखाई नहीं देता है और पढ़ने में दिक्कत होता है। जैसे तैसे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत है। ठीक से बिजली नहीं दे पा रहे हैं, जिसके 24 घंटा में 3 से 4 घंटा बिजली दे पा रहे हैं। हम लोग को परेशानी हो रहा है, पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। बोर्ड का एग्जाम, बच्चा लोग को बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें दिक्कत हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी हो रहा है, इसलिए सरकार को इसके विषय में कुछ कदम उठाना चाहिए जो हम लोग इतना परेशानी ना झेल पाए। पटना सिटी में खाजे कला थाना क्षेत्र के मस्जिद के पास 2 गैंग के लोगों में गोलीबारी की घटना घटी है, जिसमें 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए NMH भेजा गया। पूरे मामले में SSP मनीष कुमार ने बताया कि 2 गैंग में आपसी रंजिश के कारण यह घटना घटी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। खाजे कला में उनकी मस्जिद एरिया में 3 लोग घायल इसमें हैं, गोलियां चली हैं, 3 लोग जो बताए, 2 का इलाज चल रहा है PNC में, 1 का भी पता नहीं चला है कहाँ। सर क्या नाम तो लोग कहाँ रहने वाला है सर, कहाँ पे? एक नैयर है, एक शमशाद है और एक लोग बता रहे हैं कि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, एक राजू गुप्त नाम का है, इसको भी गोली लगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए, जल्द लौटते हैं।